कलयुगी बेटे ने तलवार से किया हमला, भाभी को उतारा मौत के घाट, माँ और दो भतीजों पर भी तलवार से किया वार। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी भाभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया है, तलवार से अपने दो भतीजों और माँ पर भी वार किया है, बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति को भी लहूलुहान कर दिया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है, डर का माहौल बना हुआ है। घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा के आवास कॉलोनी की है। मकान नंबर 517 में रहने वाले स्वर्गीय राममूर्ति यादव का परिवार इसमें रहता है। इनके परिवार में इनके बड़े भाई का नाम भानु प्रताप यादव और छोटे भाई का नाम पंकज यादव है, जो मानसिक रूप से रोगी है। इनकी मां राजवंती पंकज यादव और भाभी रेणुका यादव और दो भतीजे आयुष 10 वर्षीय अनुभव 4 वर्षीय रहते थे। बड़े भाई भानु प्रताप के तहरीर के अनुसार पंकज मानसिक रूप से रोगी है और उसी ने तलवार से पहले अपने भाभी रेणु यादव पर हमला किया। चीख पुकार सुनकर उसकी मां राजवंती और दोनों बच्चे दौड़े बचाने के लिए, मगर तभी पंकज ने तलवार से बच्चों पर भी हमला कर दिया और अपनी मां पर भी तलवार से वार कर दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति राजनाथ शुक्ला पर भी हमला कर दिया, मगर इस हमले में गंभीर रूप से घायल पंकज की भाभी की दर्दनाक मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी पंकज घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक COCT नगर कोतवाल घटना स्थल पर पहुंच गए। आरोपी पंकज की तलाश करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। क्षेत्र का आवास विकास मोहल्ला है, वहाँ पे हत्या की वारदात हुई है। क्या है सर पूरा मामला? नगर कोतवाली के जनपद गोंडा के थाना नगर कोतवाली में आवास विकास कॉलोनी में आज एक पंकज यादव द्वारा उनकी सगी माँ की भाभी और दो भतीजों पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उनकी माँ और दो बच्चे घायल हैं और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है। तुरंत घटना के क्या संज्ञान घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारी और फील्ड यूनिट मौके पर जाकर के जो भी वहाँ पे हमको एविडेंस मिले हैं उन सबको हमने कलेक्ट किया है। इसके अलावा अभियुक्त की तलाश करने के लिए हमारी 4 टीमें बना दी गई हैं, जो अलग अलग जगहों पर अभियुक्त की तलाशी कर रहे हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या पड़ोसी भी घायल हुए हैं, उनको भी चोट वोट आई है? जी, जो जानकारी में आ रहा है कि जब इनके घर में यह घटना हो रही थी उस समय जो शोर हुआ उससे पड़ोसी जानकारी करने के लिए गए तो पंकज यादव द्वारा पड़ोसी पे हमला करके फिर वहां से मौके से फरार हो गया। सर कुल कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग? 3 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति, एक उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है। सर बच्चे की दृष्टया क्या निकल के आ रहा है कि इनके जो ये हमले की क्या वजह है और उसकी स्थिति क्या थी, उसने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया? देखिए, जो घायल हैं एक बार वह ठीक हो जाते हैं तो उनसे पूछताछ करके हम आपको ठीक आज क्या कारण रहा है जिस वजह से यह घटना हुई है इसके बारे में बता पाएंगे। बाकी थोड़ा सा जो उनके पारिवारिक किसी चीज़ को लेकर के आपसी कोई ना कोई इसमें समस्या रही होगी, ऐसा पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि पंकज यादव अक्सर शिकायत करते थे कि उनके घर वाले उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं और कुछ इस तरह के उनके कारण बताए जा रहे हैं आस पड़ोस के लोगों द्वारा। सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य साम प्रकाश में आएंगे आप सब लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सर बच्चे की जबान भी काट ली है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में आपको कुछ बता पाऊंगा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। एक कलयुगी बेटे ने अपने भाभी को मौत के घाट उतार दिया और 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।